सो गाइस हम आ चुके हैं सॉल्ट लेक के स्टेडियम में और आज मैच है मोहन बगान वर्सेस ईस्ट बंगाल का। कल के व्लॉग में आपने ऑलरेडी देख लिया होगा कि क्या प्रीव्यू, क्या प्रेडिक्शन और क्या फीलिंग्स हैं फैंस की। हमने काफ़ी सारे फैंस ऑलरेडी बात किया, उन सबको लगता है कि उनकी टीम इस मैच में जीतने वाली है। ऑलरेडी ईस्ट बंगाल के पास एडवांटेज है इस सीजन का, वो अच्छे मोमेंटम में है, अच्छे फॉर्म में है, बट मोहन बगान फैंस आर आउट ऑन द पिच इन द स्टांस टू गेट द रिवेंज। तो आज के मैच में क्या होने वाला है, आप सिक्योरिटी देख के समझ तो जरूर सकते हो कि भाई यहाँ पे हंगामे होने वाले हैं। सो हम अब चलने वाले हैं अंदर क्योंकि हमारे पास है थोड़ा सा स्टेडियम एक्सेस थैंक्स टू आईएसएल एंड हम अंदर से मैच को कवर करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, लेट्स हेड इन। करेंटली दिस इज द ड्रेसिंग रूम दैट वी आर गोइंग इनटू, तो चलो लेट्स हेड इन एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ मोहन बगान ड्रेसिंग रूम। कम ऑन मैन, दिस इज गेटिंग सीरियस। रियली में एक बार अगर सोचो आप तो दिस इज वेयर द प्लेयर्स कम इन, दिस इज वेयर द प्री गेम टॉक्स हैपन, द मिड गेम, द पेप टॉक्स, द पोस्ट मैच, ऑल द रिएक्शन। मतलब दिस पर्टिकुलर ड्रेसिंग रूम वुड हैव सीन सो मेनी मोमेंट्स, सो मेनी इमोशंस। वाओ। एंड अभी हम चलने वाले हैं ईस्ट बंगाल के ड्रेसिंग रूम में। कम ऑन लेट्स गो। ये है अवे टीम का ड्रेसिंग रूम, कम ऑन लेट्स गो। अच्छा है यार, अच्छा है, इट इज गुड, नो प्रॉब्लम। आज तो गोल मारूंगा मैं भैंस की आंख। सो जिस मोमेंट का हमें वेट था वो आ चुका है। हम एक्चुअली अब जाने वाले हैं पिच साइड बट थ्रू द लेजेंडरी टनल। कम ऑन लेट्स हेड इन। कम ऑन मैं तुम्हें दिखाता हूं, चेक दिस आउट गाइस, दिस इज वेयर द प्लेयर्स एवरीवन वॉक थ्रू बिफोर गोइंग ऑन टू द पिच। मतलब तुम इमेजिन कर सकते हो उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा जब वो इस टनल से निकल रहे होंगे। एंड दिस इज वन ऑफ द आइकॉनिक टनल्स इन द ISL। और जब से ये टनल बनी है तब से मेरा एक पर्सनल ड्रीम था दैट आई हैव टू बी इन हियर। भाई साहब अमेजिंग यार, यहाँ पे प्लेयर्स निकल रहे हैं दोनों टीम के इस टनल से। ऊपर 60,000 लोग हैं जो कि कोई भी सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉइजी AF एंड वी आर वॉकिंग थ्रू, वी आर कमिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेयरकेस और इधर हो रहे हैं ऊपर फ्लेयर्स, ऊपर जल रहे हैं कलर बॉम्ब्स, ऊपर है टीफोज, ऊपर है प्लेयर्स चांट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ और आप इस टनल से निकल रहे हो। 60,000 लोग आपके सर के ऊपर तांडव मचा रहे हैं एंड जस्ट कमिंग थ्रू राइट थ्रू दिस टनल एंड दिस इज व्हाट यू सी। यू रेज योर हेड एंड यू सी दिस बूम। सो गाइस हम अब जाने वाले हैं यहाँ पे शामिक भाई का इस मैच का प्रेडिक्शन। बाबा व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द प्रेडिक्शन? प्रेडिक्शन हो ना हो, पता है क्या हो रहा है, यहाँ होने वाली मौत, मतलब कत्ल। कोलकाता की जीत होगी बट एनीवेज आई एम मोहन बगान फैन, आई वांटेड टू विन 1-0 2-0 3-0, बस जीत जाओ भाई लोग। सो अभी हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड जब प्लेयर्स आएंगे ना तो होपफुली हमें प्लेयर से मिलने का मौका मिलेगा। आई एम गोना शो यू गाइस दैट, लेट्स गो। थैंक यू, गुड लक, गुड लक फॉर द गेम मैन, गुड लक, गुड लक, गुड लक गाइस, सर गुड लक फॉर द गेम। अनवर भाई गुड लक फॉर द गेम, गुड लक फॉर द गेम। साल गुड लक सर, जीतेंगे जीतेंगे। सो गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे स्टेडियम के बाहर गेट नंबर 3 जहाँ से मोहन बगान फैंस एंटर कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भीड़, देख सकते हो आप कितनी सारी भीड़ है यहाँ पे, पुलिस सिक्योरिटी देख सकते हो एंड इट इज इनक्रेडिबली अमेजिंग। फैंस वुड बी कमिंग, हम ट्राई करेंगे फैंस से थोड़ा सा इंटरेक्ट करने का बट लेट्स चेक इट आउट। क्या लगता है प्रेडिक्शन क्या होगा? ईस्ट बंगाल जीतेगा, प्रेडिक्शन का कोई बात नहीं आता है। जीतेगा, 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 दो गोल, दो गोल, इस बार 5 गोल, इस बार 5 गोल, 10 गोल, 5 गोल, सारी चीजें यहाँ पे लगा रखे हैं, काफी सारे लोग यहीं से परचेज करते हैं। भाई पूरा अलग एटमॉस्फेयर है। सर हमारे यहाँ पे हैं, सर क्या लगता है क्या होगा गेम में? गेम में तो ये तो बड़ा मैच है, बोल नहीं सकता है, बड़ा मैच कोई नहीं हो सकता है, कोई जीत सकता है, बड़ा मैच में कोई एक को हीरो बन जाता है। ये है क्या है, आज का दिन सब प्लेयर बहुत जोश से खेलते हैं, क्या क्या आज का दिन हो जाता है, बहुत हाईलाइट में आ जाता है, इतना आदमी आता है। आप किसके फैन है? हम एकदम ईस्ट बंगाल, डाई हार्ड ईस्ट बंगाल। मोहन बगान फैन से बात करते हैं, चलिए क्या लगता है क्या होगा मैच में? 3-0, 3 गोल मारेगा। हाँ, एक कमिंग्स सदिकु पेत्रतोस और गेम में का साहल, गेम पूरा गेम सेंस करते हैं और माइंड गेम एंटोनियो लोपेज हबस। अग्रोदी भाई कौन जीत रहे हैं आज? मोहन बगान। ये कितना स्कोर लाइन होगा? 2-0, 2-0, चलो भाई लेट्स गो। आज बहुत ही इंटेंसिफाई गेम होगा, ठीक है, क्योंकि सुपर कप का वो डर्बी हार चुका हूँ तो इसलिए वो हमारा एक रिवेंज डर्बी है। मेरा एक्सपेक्टेशन है 2-0 गोल से आज मोहन बगान जीतेगा। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ईस्ट बंगाल फैंस बट इस बार रिवेंज का टाइम है। 2-1 इज गोइंग टू बी द स्कोर लाइन। लगा 5 गोल टुडे।
live. I'm saying it on Mohan Bagan will win and do subscribe him. Okay, he's a good YouTuber. He's making very good videos, very informative videos, and we'll very much like him. Do subscribe him. Thank you. And we should continue the video. Okay. Definitely. Thank you. चलो मिलते हैं यार. Okay. Joy Mohan Bagan guys. चलो fans हमने interaction कर लिया East Bengal और Mohan Bagan और भाई आपने atmosphere और उनकी mentality तो देख ही ली है. दोनों ही team चाह रही कि उनकी team जीते. So ये सब तो हमने कर लिया. अब एक और चीज हमें तुम्हें दिखानी है वो है TFSD की speciality. तो let's go. Dion. Guys, check this out. Players, बगल में हमारे वार्म अप कर रहे हैं. This is where they are warming up. उधर वहाँ पे East Bengal की टीम वार्म अप कर रही है. यहाँ पे Mohan Bagan टीम वार्म अप कर रही है. You can see everyone getting all ready for the game today. Goosebumps से भाई, legit goosebumps से. अभी स्टेडियम भरा नहीं है. You can see थोड़ा-थोड़ा खाली है. But what will happen in just some time is that this entire gallery will be filled up with the fans. And आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे भाई लोग यहाँ पे Mohan Bagan side. Nice guys, let's go. Joy Mohan Bagan. पिच साइड नहीं हम आ पाएंगे. एक्चुअली हम गोल के पीछे रहने वाले हैं. बट थोड़ी देर बाद विल बी देयर इन वन ऑफ दी स्टैंड्स क्योंकि हमारे सारे दर्शक आप लोग इधर ही हो. तो हमें कहा गया कि भाई हमारे साथ मैच देखना, तो विल ट्राई टू डू दैट. ठीक है, चलो. भाई लोग हमारे वहां पे बैठे हुए हैं और कुछ भाई हमारे उधर है मरीने से रहना. मैं कभी भी ऐसा फील नहीं किया भाई. ये दिस इज ISL, दिस इज द कोलकाता डर्बी, दिस इज द बोरो मैच. इस साइड है पूरे आपके Mohan Bagan के फैंस और लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो यहाँ आपके ईस्ट बंगाल फैंस. बीच में एक बड़ा सा डिवाइड रख रखा है इन्होंने ताकि फैंस को थोड़ा सा सेपरेट किया जाए. बट द पैशन ऑफ ईच एंड एवरी फैन, एक बात तो मैंने फील कर ली, दोनों सेट्स ऑफ फैंस से मैं मिला हूँ, अल्टीमेट पैशन है. आई हैव नॉट सीन पीपल डीपली लिंक टू अ क्लब लाइक दिस. तभी सो कहते हैं लेजेंडरी बैटल, लेजेंडरी डर्बी. और ये दो है लेजेंडरी क्लब्स और ये मैच होने वाला है लेजेंडरी. देना नहीं अंदर, अंदर नहीं देना है. सो गाइस मस्ती उस्ती करके बॉल ऑल इलीगली पिच पे फेंकने के बाद हम आ चुके हैं यहाँ पे रैंप नंबर 7 पे. वी आर गोना गो टू B2 ब्लॉक और हम मैच देखने वाले हैं आप लोगों के साथ. तो चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. अयन ऑन द गो हमारे साथ आ चुके हैं. ब्रो लेट्स गो. भाई साहब कांट बिलीव इट मैन, नेक्स्ट लेवल यार. अभी हम वहाँ नीचे थे बट नाउ वी आर ओवर हियर. काफी सारे लोग हमें बुला रहे थे कि भाई आ जाओ ऊपर आ जाओ. ओ भाई साहब ठीक है बाबा आ जाओ शामिल भाई. ठीक है ठीक है. तो हम आ चुके हैं यहाँ पे B2 ब्लॉक में और वन ऑफ द बेस्ट बिगेस्ट फैन ग्रुप्स इन इंडिया. और भाई यहाँ पे मजा आने वाला है, बेहतरीन मजा आने वाला है. गाइस एक बार हो जाए 1 2 3 पे. 1 2 3 Mohan Bagan जीते नाड़े. Mohan Bagan ओए चले तो. Mohan Bagan भाई सुमन. Mohan Bagan भाई तो बोली. Mohan Bagan हमरा खाना. Mohan Bagan भाई सुमन. Mohan Bagan जय Mohan Bagan जय Mohan Bagan. सिटी में ड्रम्स और कोई ढोल ऐसे कुछ अलाउड नहीं है. तो यहाँ ड्रम भाई साहब जो मैच होने में बचे बस 2 मिनट. प्लेयर्स आ चुके हैं पिच पे, फैंस आ चुके हैं स्टैंड्स में और अब होने वाला है सिर्फ मजा. किक ऑफ हो चुका है यहाँ पे Mohan Bagan अटैक पे, बेहतरीन मैच होने वाला है यहाँ पे. Oh!
बंगाल ऑन द बॉल आती है जब वो अटैक कर रहे होते हैं, उधर की गैलरी की जो आवाज़ होती है ना, वो आपको यहाँ पर सुनाई दे रही होती है। ये अलग ही गलत चीज़ है, कोई सांप का विसल है, सांप वाली विसल आती है जब। सुधाई फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है, बहुत ही गद्दार फर्स्ट हाफ गया है, एक उन्होंने मारा एक हमने मारा, बट मैं जाना चाहूंगा अपने भाई दोस्तों यहाँ पे बैठ के मैच देख रहे हैं कि कैसा था फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो भाई आप लोग उधर आओ, क्या लगता है सेकंड हाफ में क्या होगा? देखिए सेकंड हाफ फर्स्ट हाफ का 10 मिनट जो है ना वो ईस्ट बंगाल अच्छा खेला, और उसके बाद हम लोग दो लोग गोल भी उठाए, और उसके बाद जो मोमेंटम पूरा मोहन बगान की तरफ शिफ्ट किया, तो मोहन बगान सबसे अच्छा चीज़ के वो मोमेंटम में गोल अर्न कर लिया। सेकंड हाफ में मार रहे हैं, हाँ सेकंड हाफ में ऑब्वियसली मार रहे हैं भाई, 2-2, 2-1 ना प्रेडिक्शन भाई, जय मोहन बगान। ऑपरेशन कर रहा हूँ यहीं पे, स्ट्रेचर आ रही है, जो मोहन बगान का प्ले है ना बहुत डायरेक्ट प्ले है, बॉल मिले फ्लैंक से बॉक्स में बॉल डालो क्रॉस करो डायरेक्ट प्ले, ईस्ट बंगाल भाई वो इंटरकेट पासेस बना के वो चांसेस बना रहे हैं, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के स्टाइल में।
go, let's go. हम जा रहे हैं कट आउट के पास, हमें इधर से एंटर करना है, पिच से जाना है। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे स्टेडियम के एकदम एज के पास और हम प्रोबेबली गेम खत्म होने का वेट कर रहे हैं। जैसे गेम खत्म होगा हमें पिच से जाने दिया जाएगा, और अभी लास्ट के जो मिनट्स हैं यहाँ पे 2 से 3 मिनट्स हैं वो हमें यहीं से देखने पड़ेंगे। आई रियली होप कि यार मोहन बगान विक्ट्री ले ले, बट स्टिल इट इज गोना बी 2-2, एक हार्ड फॉट ड्रॉ है यहाँ पे दोनों ही टीम्स के लिए। भाई 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 फुल टाइम विसल बज चुकी है, स्कोर लाइन रह चुकी है 2-2, कोई जीता नहीं कोई हारा नहीं यहाँ पे। सो गाइस हम आ चुके हैं पिच साइड और प्लेयर्स हैं हमारे यहाँ पे सामने। पाजी पाजी बहुत शुक्रिया पाजी। बेहतरीन भाई साहब, प्लेयर्स गेव दे ऑल, द प्लेयर्स गेव दे ऑल, इतना मैं कहूंगा यहाँ पे। आप बहुत बढ़िया सहाल, बहुत बढ़िया कियान भाई। या नहीं बता सकता, मैं तुम्हें नहीं बता सकता, मेरा भी गला ऑलमोस्ट जा चुका है। एक पॉइंट टाइम पे आई फेल्ट मेरा हार्ट भाई गिव अप कर जाएगा। द होल बेस कैंप ओवर देयर मैन, इट वाज इनक्रेडिबल यार। थैंक यू सो मच एवरीवन यार, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस इन योर होम, अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वी जस्ट गोना गो टूवर्ड्स द पिच साइड, हम कोशिश करेंगे कि यार शायद हमें एक या दो प्लेयर से बात करने का मौका मिल जाए। ये कैपेसिटी 57,000 पीपल आज इस स्टेडियम में थे। कोलकाता You have made us fucking proud. And great game, boy. Huge, huge draw, huge point. I know कि ये out of breath हो आप, but I just wanna know कि कैसा experience था, हमारी आवाज़ें आप तक पहुँचे कि नहीं पहुँची। How did the crowd made you feel today, and how big this point is for you, Sal? It's a huge point for us, to be honest, because this is what I think we were lacking in few games, and I'm very happy with the team performance. We fought well, and this is who we are, and this will be us in the coming games, and we'll never give up. So what was going on in your head jab up 2-1 down the? No, it's the same. We knew that we could come back. At least we are going back with point, a huge point. But yeah, so many positive to take away, and really proud of this team. I'm really happy. I know that the team was leading 1-0 and then they led 2-1 and you guys conceded a goal at the very end. First of all, heartbreaking, yes, I know, but still it's a massive point against a top team. What are your thoughts about the game? We not concede a goal. We get the ball back in our box, and one player of Mohun Bagan was pushing our player, so it was foul. So it was not a legal goal. I think the players gave their all on the pitch today. Are you happy with the way they performed, not but the result? Yeah, you're right. They deserve the 3 points. They have been doing an enormous effort. You know that we are only with 4 foreigners because we're waiting for Vitor Barca and Felicio. Yeah, yeah. And then suddenly we get Saul with disturbing problems in the muscles, so we have to change. But you see, the youngers, the players that are not playing normally, Sayan, Vishnu, terrific effort. I was just talking to Carl Skudrat sir over here. He said that the second goal wasn't scored by Mohun Bagan. It was a foul. It should not have stood. What are your thoughts about that? I think that it's very clean that the penalty is no penalty. For me, it's absolutely no penalty. And in second half, it's impossible to play. Interruption, foul, the referee continue, no yellow card. And maybe the second half we play the 20 minutes. And good the piece of the team, no? And after that, only 7 minutes extra time when the match today is for 12 or 14 minutes more in extra time. But I'm very happy with the performance of the team, when the intensity, the tactical discipline, I am happy. We have to improve, evidently. Yeah, आप लोगों ने बोला था, कई लोगों ने कहा था भाई मोहन बगान और ईस्ट बंगाल की डर्बी देखो। बहुत लोग मुझे बुलाते थे कि भाई आओ डर्बी देखो, जी भाई कब आ रहे हो। और यार मेरा प्लान था, यू नो व्हाट आई हैव मिस्ड टू बी हियर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बात नहीं है, वो यहाँ पे आना, ये चीज़ को जिया है यार मैंने आज। एंड आई गो बैक होम और मैं स्टोरी बताऊँगा। एंड यार आई एम नोबडी, आई एम जस्ट अ प्रोपगेटर ऑफ फुटबॉल फॉर ऑल यू गाइज, बट ये जो आप एक्सपीरियंस करते हो सालों साल, मुझे जो कुछ लोग मिले जो कि अपने बचपन से इस मैच को देख रहे हैं, एंड वो मुझे बता रहे हैं कि जी भाई आज ऐसा सिनेरियो है, पहले ऐसा हुआ था, इतनी सारी स्टोरियाज है तुम्हारी। एंड यू नो व्हाट, ये जो स्कोर लाइन थी ना 2-2 की, मुझे पता है यार हारे हारे नहीं, जीते नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हुई,
बट ठीक है, यू नो रिजल्ट 2-2 का, इट इज़ आई थिंक द फेयरेस्ट रिजल्ट. हमने दोनों टीमों का बेस्ट देखा. ईस्ट बंगाल ने भी अच्छा खेला यार, बहुत बेहतरीन खेला आप लोगों ने यार, बहुत हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ टू द परफॉर्मेंस, हैट्स ऑफ टू खुदरात, हैट्स ऑफ टू द प्लेयर्स. एंड साथ ही साथ ऑन द अदर साइड मोहन बगान का पैशन, उनका विल पावर टू कम बैक इन द गेम. लग रहा था कि टीम पे थोड़ी सी अभी कनेक्टिविटी नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, बट देन द वे दे केम बैक, भाई साहब, मतलब आई नेवर थॉट अभी तक कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, आई एम गना एक्सपीरियंस दिस. सो भाई लोग, ये मेरी कोशिश थी कि आप लोगों तक मैं कोलकाता का फुटबॉल पहुँचा पाऊँ. जो सारे लोग हैं जो शायद नहीं आ पाते इन मैचेस को देखने के लिए, फील करने के लिए, आई थिंक आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा. अगर लगा तो ज़रूर से बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को ज़रूर से. तब तक के लिए आई एम जस्ट गना.